लोकल मानु हिसाब है तो मैं आसामीस इतना नहीं जानता हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा। ये जो आज जो असिस्मेंट बना के लेके घूम रहा है, चेक लेके घूम रहा है, मेरे को तो उचित नहीं लगता है। उचित इसलिए नहीं लगता है कि सबसे पहले दुकानदार को आप एक नोटिस देना है, जिसका चेक लिस्ट में नाम में है, तो नाम जिसका है उसको एक नोटिस जारी करना है कि आपका चेक भरा हुआ है दुकान के लिए। हाँ, उसको नोटिस देने का बाद में जब मालिक निकालेगा ना, मैं यहाँ का एक व्यक्तिगत हिसाब से मैं वही कहना चाहूँगा कि अभी किसी का दुकान को मैं उनका ये इसका यो उसका हम बताने से तो ये गलत होगा ना। हमको भी, मैं एक यहाँ का मार्केट सेक्रेटरी हूँ और हमको डीसी साहब बोला था कि दुकान का नाम पूछा है। दुकान चलाने वाला अलग है, फिर मालिक अलग है, तो मैं किसको मालिक बोलूँगा, यही तो बात है। और दूसरा बात यह है कि बिना नोटिस से अगर चेक देना होता है तो भी एक नोटिस देके उसका बाद में चेक को इशू करना चाहिए। और एवेक्शन करना है तो भी एक 7 डेज का टाइम देना है या आप महीना का टाइम देना है, कम कम होने से भी 7 डेज टाइम देना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को, हमारा राज्य सरकार को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज यहाँ में SOP का रूल 24 घंटा निकलते रहता है। जी जी। आज आप लोग मीडिया का जरिए सारा यहाँ का पब्लिक देख रहा है जी। मैं आपका कलेक्टर साहब भी यहाँ में है जी। तो यहाँ का धजिया उड़ा रहा है कि हम लोग के लिए, गरीब लोग के लिए SOP होता है जी जी। जी। मेरा हिसाब से तो SOP को ये कुछ रूल बना के ये तो वियोलेट कर रहा है। तो आप देखिए, ये तो SOP का नियम को ख़त्म कर रहा है जी। ये हमको राज्य सरकार को वही हम गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका ऑर्डर जैसे दिया है उस हिसाब से पालन कीजिए। मतलब SOP गरीब लोगों के लिए होता है और अमीर लोग, गरीब लोग के लिए तो SOP चलता है, बाकी ऑफिसर धनी लोग के लिए तो खुला है जी। तो आप अभी देख सकता है ऐसे SOP में डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है कि आप खुद आप देखिए। मैं एक यहाँ का नागरिक होने का नाते मेरा तरफ से वही एक संदेश है और राज्य सरकार को भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ आप जैसे कानून बनाया, लॉकडाउन हम लोग झेला है, हम लोग मेंटेन करता है गरीब लोग, और SOP भी हम लोग मेंटेन करता है, और बाकी आज SOP को धजिया उड़ा रहा है, ये हमको मज़ा नहीं लगता है। मैं एक यहाँ का व्यक्तिगत और यहाँ का जन्मभूमि हूँ, मैं ये स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा।